हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज आप जाणांगे कि किस तरह किसी समय बास्केटबॉल का बहुत वधिया खिडारी एक उच्च कोटि का वकील बनिया, तो फिर वकालत नूं विचाले छड एक बहुत ही वधिया एक्टर बनिया, तो फिर एक्टिंग का करियर भी छड लोगों के हकों की आवाज़ बुलंद करन लगा। इस सब के नाल नाल दीप सिद्धू के बारे होर भी अणसुणियां गल्लां अज आप जाणांगे नॉलेज इन पंजाबी यूट्यूब चैनल उपर। दोस्तों, दीप सिद्धू का जन्म 2 अप्रैल 1984 मुक्तसर जिले के उदयकरण पिंड दे विच होया। दीप सिद्धू के पिता का नाम सुरजीत सिंह सिद्धू सी, जो कि अपने टाइम दे विच एक बहुत ही उगा वकील सी। दीप सिद्धू जदों सिर्फ 4 साल का सी तां उसकी माता का देहांत हो गया, तो दीप सिद्धू का बचपन माँ के प्यार तो बिना ही गुजरिया। बचपन में पढ़ाई के समय दीप सिद्धू एक बहुत ही होशियार बच्चा सी ते बास्केटबॉल का एक बहुत वधिया खिडारी सी। दीप सिद्धू ने इंडिया नू जूनियर लैवल ते पंजाब नू नैशनल लैवल ते भी बास्केटबॉल दे विच भी रीप्रजेंट किया, ते उसने नैशनल लैवल उत्ते 5 चैंपियनशिपां खेडियां। दीप सिद्धू पंजाब नैशनल टीम का कैप्टन भी रह चुका सी। इस तो इलावा दीप सिद्धू अपने इंटरव्यू दे विच दसदा है कि किसी समय वो इंडियन आर्मी दे विच जाना चाहुंदा सी ते पैरा कमांडो फोर्सिस नू भी ज्वाइन करना चाहुंदा सी। शुरू तो ही उसका मॉडलिंग अते एक्टिंग वल भी ध्यान सी। शुरुआती पढ़ाई तो बाद उसने पुणे दे सिमसिस कॉलेज के अपने दम से दाखला लिया और फिर उत्थे लॉ की पढ़ाई शुरू की। जदों पुणे दे विच लॉ की पढ़ाई कर रहा सी तां उस समय किंगफिशर टैलेंट हंट नाम का एक कॉम्पीटिशन होया, तो दीप सिद्धू ने इस दे विच भाग लिया तो इस नूं जित्या भी। इस तो बाद दीप सिद्धू की मॉडलिंग करियर के आने लई दरवाजे खुल गए। वह मॉडलिंग के करियर विच अगे वधन लगा, पर मॉडलिंग की दुनिया उसनूं इन्नी रास नहीं आई। फिर दीप सिद्धू ने दोबारा अपनी वकालत जारी रखने का फैसला किया। फिर मॉडलिंग का करियर छड़ के दीप सिद्धू वकालत की प्रैक्टिस कर लग पिया। कुछ देर भारत दे विच वकालत करन तो बाद इंग्लैंड लंडन दे विच अपनी लॉ की अगली पढ़ाई करन लई चला गया। उत्थे लंडन दे विच ही दीप सिद्धू ने उत्थों की एक मशहूर लॉ फर्म हैमंड्स दे नाल काम करना शुरू कर दिता, जिस दे विच काम करदिआं उसने डिजनी अते सोनी पिक्चर्स वर्गे कई वड्डे वड्डे हॉलीवुड स्टूडियोज़ दे नाल काम किया। फिर दीप सिद्धू वापस इंडिया आ गया अते उसने इत्थे आ के लक्स लीगल नाम की एक लॉ फर्म बनाई अते वकालत प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिती। फिर दीप सिद्धू बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म का लीगल हैड बन गया अते 3.5 साल तक उसने लीगल हैड के तौर पर काम किया। इस तो बाद उसने मशहूर डायरैक्टर संजय लीला भंसली नाल काम किया ते धर्मिंदर की प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म हाउस के नाल भी काम किया। इस तो अलावा भी दीप सिद्धू ने कई उगे बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसिस के नाल काम किया। दस दईए कि दीप सिद्धू बालाजी टेलीफिल्म वालों लीगल हैड के तौर पर काम कर रहा सी, ता इस कंपनी की क्रिएटिव मैनेजर और डायरैक्टर एकता कपूर ने दीप सिद्धू ने कहा कि उसनों एक्टिंग दे विच ट्राई करना चाहिए है। तो उस समय दीप सिद्धू ने उसकी गल वाल ज़्यादा ध्यान ना दिता। फिर दीप सिद्धू ने धर्मिंदर की कंपनी विजेता फिल्म प्रोडक्शन हाउस नाल काम करना शुरू कर दिता। सनी देओल और बाकी देओल फैमिली दे नाल दीप सिद्धू के पहलों तो ही संबंध बहुत गूढ़े हैं। जदों दीप सिद्धू कॉलेज दे विच सी तां एक ऐड की शूटिंग दे लई दीप सिद्धू नूं बुलाया गया सी, जिस दे विच उसने सनी देओल दे छोटे भरा दा रोल करना सी। ये एक फार्म ट्रैक्टर की ऐड सी ते इस दे विच दीप सिद्धू नूं सिलैक्ट किया गया सी। उदों तो ही दीप सिद्धू सनी देओल नूं चंगी तरीके दे नाल जानदा सी अते इन्हां दे आपसी परिवारिक रिश्तियां वांग गूढ़े संबंध बन चुके सन। फिर जदों दीप सिद्धू देओल फैमिली दे लई लीगल हैड दे तौर ते काम कर रहा सी, तां एक दिन फिल्म डायरैक्टर गुड्डू धनोआ सनी देओल नूं मिलन उसदे दफ्तर पुज्जा। उत्थे ही दीप सिद्धू भी मौजूद सी। जदों गुड्डू धनोआ ने दस्या कि वह अपनी अगली फिल्म रमता जोगी लई लीड एक्टर की भाल कर रहा है, तां धर्मिंदर ने दीप सिद्धू नूं कहा कि उसनूं एक्टिंग दे विच ट्राई करना चाहिए है, तो इस ते दीप सिद्धू ने हाँ कर दी। इस तरह दीप सिद्धू नूं अपनी पहली फिल्म रमता जोगी मिली। इसलिए उसने नैशनल फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे दे टीचर्स कोलों एक्टिंग दी ट्रेनिंग भी ली। ये फिल्म 2015 विच धर्मिंदर प्रोडक्शन विजेता फिल्म दे अंडर रिलीज़ हुई अते इस दे नाल ही दीप सिद्धू लई एक्टिंग दी दुनिया दे दरवाजे खुल गए। इस तों बाद दीप सिद्धू दी 2017 दे विच फिल्म जोरा 10 नंबरिया आई, जो कि बहुत ही हिट हुई अते इसने दीप सिद्धू नूं बहुत ही मशहूर एक्टर बना दिता। इस तों बाद दीप सिद्धू दी 2018 विच रंग पंजाब फिल्म अते साडे आले फिल्म आई, जो कि कैनस फिल्म फैसटिवल ते रिलीज़ हुई अते वो कैनस फिल्म फैसटिवल ते रिलीज़ होने वाली पहली पंजाबी फिल्म भी बनी। इस तों बाद 2020 दे विच जोरा दा सैकेंड चैप्टर फिल्म आई,
इस समय दीप सिद्धू पंजाबी इंडस्ट्री दे विच एक बहुत ही फेमस एक्शन हीरो बन चुका सी। उसने रवायती पंजाबी कलाकारां तो उल्ट अपने आप नूं एक एक्शन हीरो दे तौर ते स्थापित किया। इत्थे दस दईए कि जदों 2019 दे विच भारत च लोक सभा दीआं चोणां होईआं तां गुरदासपुर दी सीट तों भाजपा ने सनी देओल नूं MP दे कैंडीडेट वजों खड़ा किया, क्योंकि दीप सिद्धू दे देओल फैमिली दे नाल संबंध बहुत ही गूढ़े सन। इस करके दीप सिद्धू ने सनी देओल की सपोर्ट लई कई मीटिंगां भी अटेंड कीतीआं, सनी देओल दे लई प्रचार भी किया। इस दीआं इह तस्वीरां तुसीं सोशल मीडिया ते भी बहुत देखीआं होणगीआं, जो कि किसान अंदोलन दौरान विरोधियों वालों बहुत वायरल कीतीआं गईआं सन। अंदोलन नूं कमजोर करन लई दीप सिद्धू नूं RSS दा बंदा भी कहा गया सी। दस दईए कि जदों दीप सिद्धू सनी देओल दे लई इलैक्शन दे विच प्रचार कर रहा सी तां उस समय भाजपा दे एक प्रचारक कमल शर्मा ने संत भिंडरांवाले दे खिलाफ कोई बयानबाजी कीती जो कि दीप सिद्धू नूं बिल्कुल पसंद नहीं आई। अते फिर चोणां दौरान सनी देओल दे नाल दीप सिद्धू नूं जदों डेरियां दे उपर भी वोटां मंगण दे लई जाणा पिया तां दीप सिद्धू नूं इह सब चीज़ां पसंद ना आईआं। इन्हां कारणां करके दीप सिद्धू ने खुद नूं चोण प्रचार तों पिछां वल खिच लिया। फिर दीप सिद्धू की फिल्म जोरा 10 नंबरिया दा सैकेंड चैप्टर जो कि 6 मार्च 2020 नूं रिलीज़ होनी सी, उस समय भारत दे विच करोना वायरस ने दस्तक दे दित्ती अते सारे भारत दे विच लॉकडाउन लग गया। इस समय जदों वायरस दे कारण सारी दुनिया अपने घरां दे विच कैद हो चुकी सी तां दीप सिद्धू ने फेसबुक दे उपर वीडियोज़ बना के शेयर करनियां शुरू कर दित्तियां। दीप सिद्धू ने समाजिक मुद्दों के उपर वीडियो बनाउणियां शुरू कर दित्तियां। इसे दौरान उस नाल बहुत नौजवान जुड़ने शुरू होए। किसान अंदोलन दौरान दीप सिद्धू नूं बदनाम करन लई कई लोग यह आरोप लगाउंदे रहे कि दीप सिद्धू एकदम जो पंजाब की खुद मुख्तियारी दीआं गल्लां करदा है, सिख कौम दीआं गल्लां करदा है, पंथ दीआं गल्लां करदा है, तां इह इक BJP जां RSS वल्लों फिट कीता गया बंदा है। पर उन्हां नूं दस दईए कि दीप सिद्धू शुरुआत तों ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दे उपर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालिआं संबंधी पोस्ट शेयर करदा रहा है ते उन्हां तों बहुत प्रभावित भी रहा है। दीप सिद्धू नूं आजादपुणा अते बागीपुणा अपने परिवार विच्चों ही मिलिया सी। फिर जदों 2020 दे सितंबर दे विच खेती संबंधी 3 काले कानून पास होए तां सब पासे इन्हां दा विरोध होना शुरू हो गया। इस समय दीप सिद्धू ने भी खुल के इन्हां 3 काले कानूनां दा विरोध किया। इस समय पंजाब दियां 31 जत्थेबंदियां पहली बार मंच ते इकट्ठियां हो गईआं अते इकट्ठियां हो के उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना लगा दिता। किसान जथेबंदियों ने अपनी मुख्य मंग रखी कि 3 खेती कानूनों नूं रद्द किया जाना चाहिए है अते जिस तरह पहला खेती का सिस्टम चलता आ रहा है उसे तरह रहन देना चाहिए है। पर दीप सिद्धू जो कि पहला तो ही पंजाब के मुद्दों पर बोलता आ रहा है तो उसने पंजाब के लोगों को यह संबोधन किया कि यह सिर्फ 3 खेती कानूनों की लड़ाई ही नहीं, यह साड़ी होंद की लड़ाई है, क्योंकि उसने कहा कि पंजाब की खेती के नाल ही पंजाब का सभ्याचार विरसा साडा रहन सहन जुड़िया हुआ है, जे खेती ही नहीं रहेगी तो पंजाब भी हौली हौली खत्म हो जाएगा। इस समय पंजाब दीआं किसानी जथेबंदियां ने रेलां रोकणियां शुरू कर दित्तियां अते अंबानी अते अडानी के कामकार बंद करवाने शुरू कर दिते। इन्हां विच्चों मुख तौर पर रिलायंस के पंपां अते मॉल्स के बाइकाट किए गए अते रिलायंस जियो दीआं सिमां दा बाइकाट किया गया, जिथे पंजाब दीआं किसानी जथेबंदियां पंजाब दे विच ही पंपां मॉलां अते रेलवे ट्रैकां दे उपर धरना लगा के बैठियां सन। उत्थे दीप सिद्धू ने पंजाब अते हरियाणा दे शंभू बार्डर दे उपर मोर्चा लगाउण दा फैसला किया। उसने कहा कि पंजाब दे विच ही धरना लगाउण नाल केंद्र सरकार दे कन्न ते जूं नहीं सरकेगी, इस लई मोदी सरकार दीआं अक्खां खोलण लई शंभू बार्डर नूं बंद करना एक वधिया तरीका होवेगा। इस तरह दीप सिद्धू ते कुझ होर आगूआं ने मिल के 25 सितंबर 2020 नूं शंभू बार्डर ते धरना ला के बंद रखण दी कॉल कीती। इस तरीक नूं शंभू बार्डर दे उपर नौजवानां बजुर्गां बच्चियां अते औरतां दा एक वड्डा इकट्ठ देखण नूं मिलिया। फिर 4 नवंबर 2020 तों दीप सिद्धू ने शंभू मोर्चे दे उपर पक्का धरना लगाउण दी गल कीती अते शंभू बार्डर दे उपर खेती कानूनां दे विरोध विच पक्का धरना लगा दिता। जदों 31 किसान जथेबंदियां पंजाब दे विच खेती कानूनां दे खिलाफ धरने लगा रही सन अते उन्हां दी मंग यह सी कि 3 काले कानून रद्द होने चाहिए हैं, तो उस समय दीप सिद्धू ने यह गल की कि पंजाब दे लई केवल 3 खेती कानून रद्द करवा के ही मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पंजाब दे विच तां पहला ही बहुत किसान खुदकुशियां कर रहे सन, इसलिए उसने पंजाब दे लई एक खुद मुख्तियार ढांचे की गल की ताकि पंजाब अपने फैसले आप लै सके।
इस तरह ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ MSP ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿਆਸਤ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ, ਖਾਲਸਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਪੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ BJP ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਵਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਟਿਆ,
पर हुण इह बेवाक बुलारा हमेशा दे लई चुप हो गया। 37 साल की उम्र दे विच लोकां दा चहेता दीप सिद्धू लोकां नूं अलविदा कह गया। जिथे उसदे जान दा भारी दुख उसदे परिवारिक मैंबरां नूं है, उत्थे ही देश दुनिया दे विच वसदे पंजाबियों दे विच वी सोग की लहर है। पंजाब दे इस बेवाक बुलारे अते पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू नूं नॉलेज इन पंजाबी चैनल की पूरी टीम श्रद्धांजलि भेंट करती है।